ये देश का प्लैंड हाईटेक सिटी अगर सबसे बड़ा कहीं है तो वह आपके लखनऊ में है, जिसमें आज हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन अब तो अयोध्या का प्लान भी दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि चलिए राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट तो बन सकता था, रेलवे स्टेशन का तो विकास हो सकता था, सरकारें आपकी भी थी, कई सरकारें सपा की रही, क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर एक चूक हुई? मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि विकास को कोई नहीं रोकता, विकास के पक्ष में है। और जहां आपने एयरपोर्ट और सब स्टेशन की बात कही है, एयरपोर्ट जरूर बना है, हवाई पट्टी पहले से थी, और इस पुण्य काम के लिए किसी ने मना नहीं किया, वहां के किसानों ने भी नहीं मना किया, किसान भी आगे आए, लेकिन किसान की ये शर्त थी कि अगर इतने पुण्य काम के लिए उनकी जमीन ली जा रही है तो कम से कम 6 गुना सर के रेट का उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको ये सोचना चाहिए क्या जिन किसानों की जमीन लेकर के वो एयरपोर्ट बना है, क्या इस पुण्य काम के लिए उनको इतना मुआवजा दिया गया? क्या आपने मुआवजे में भेदभाव नहीं किया? दूसरा स्टेशन, स्टेशन तो बनते ही हैं, बनेंगे, मुझे खुशी है कि उन्होंने स्टेशन बनाया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं जितने भी बड़े बड़े कथावाचक जी या रिलीजियस प्रीचर आए हैं जी, आप आज भी पता कर लीजिए सब वहीं पर जाकर के अपनी बात रख रहे हैं जो कभी समाजवादी सरकार में बना था, एक स्थान बना था, भजन स्थल बना था, जहां पर आप परफॉर्म कर सकें, कह सकें। आज जितने लोग भी आ रहे हैं सब के सब जाकर के वहां अभी तक कार्यक्रम किए हैं वहां। अखिलेश जी, आपने बोला कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बनने की आपको खुशी है, मंदिर बनने की कितनी खुशी है? नहीं, वो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोर्ट के फैसले से बना है, और कोई भी हिंदुस्तानी होगा जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, किसी भी धर्म का कोई भी बनेगा उसमें खुशी होगी, किसको खुशी नहीं होगी? तो पहली प्रार्थना राम के दरबार में क्या लगाएंगे अखिलेश जी? लेकिन खुशी के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा जी, अगर आप जाएं अयोध्या में जाकर के, आप यूपी में आए, तो क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल रहा है? एक अयोध्या के कार्यक्रम में एक नौजवान खड़ा हो गया और कह रहा है कि बताइए मैं CV लेकर के घूम रहा हूं, अपना बायोडाटा लेकर के घूम रहा हूं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी के लिए वेटर की नौकरी मैं करूंगा, मैं रेस्टोरेंट में जाकर के नौकरी करूंगा। आप अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कम से कम नौजवानों को सम्मान का रोजगार नौकरी तो दे दो, आप सम्मान का रोजगार नौकरी नहीं दे रहे जी। मेरा एक सवाल है कि निमंत्रण तो आपको भी मिला और आपने कहा कि ये BJP और RSS का कार्यक्रम है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, निमंत्रण अस्वीकार करा, वो कहानी किस्सा क्या है पूरा? अगर निमंत्रण में भी राजनीति करेंगे, मुझे याद है आपके ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े एक नेता ने आपको निमंत्रण दिया है जी और आपसे मिले हैं। मैंने उसी समय कहा कि मुझे किसी से निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे कोई नेता मिला है। तो जब उन्होंने जाकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण देने नहीं गया था, मैंने कोरियर से भिजवाया। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि आपने कोरियर से भिजवाया, उसकी कम से कम रिसिप्ट तो दे दें, तो जब मैंने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने कोरियर से नहीं, अयोध्या से स्पीड पोस्ट से मुझे भिजवाया था। तो सोचो राजनीति कौन कर रहा था इस पर? जो लोग निमंत्रण में राजनीति कर सकते हैं तो वो सोचो राजनीति और जगह क्यों नहीं करेंगे। लेकिन निमंत्रण आया, निमंत्रण तो आपको मिला था, स्पीड पोस्ट से ही मिला, तो आपको नहीं लगता जाना तो चाहिए था? रामलला बुला रहे हैं, 550 साल बाद मंदिर बन रहा है, अगर चले जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? देखिए रामलला और राम पहले से हैं जी, और मैंने हर बार ये कहा और फिर कहता हूं मैं इस बार कि जब बुलावा आएगा मैं जाऊंगा, और जो निमंत्रण मिला उसका मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के साथ साथ मैंने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा जी जी, और एक दर्शनार्थी बनकर के मैं जाऊंगा, और जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिनका सोशली नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान हो जाता है, मैं एक एक करके सबका नाम लूं तो उस पर बड़ा वक्त चला जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपने नेताओं को भी थोड़ा
बांध के रखना चाहिए, कई बार वो आउट ऑफ टर्न बोल जाते हैं। हमें अपने नेताओं को बांधना चाहिए, बीजेपी को अपने नेताओं को बांध के रखना चाहिए। क्या मां सीता के बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी आप बोलेंगे? क्या मां सीता के लिए आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे? तो अगर हमें अपने नेता बांधने हैं तो बीजेपी को अपने नेताओं को भी बांध के रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर प्रयास पहले की सरकारें भी करती तो यह मंदिर पहले भी बन सकता था, लेकिन बीजेपी बहुत से आरोप लगाती है कि ट्रांसलेशन नहीं हुआ था आपकी शासन में, जब आपकी सरकार थी, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन लीगल एस्पेक्ट्स पे सबकी चर्चा हुई होगी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम और आपको कोई उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, मैं 32 साल पुरानी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में कार सेवक हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और आरएसएस वीएचपी इसको बड़ा इशू बनाती है। वो तस्वीर पीछे अभी प्ले होगी। क्या कहना चाहते हैं आप आज 32 साल पुरानी इस तस्वीर पर? पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ मिलना नहीं है, गड़े मुर्दे उठाने से कुछ मिलना नहीं है। जो संविधान का पालन करेगा, जी, संविधान को पालन करने वाले ही इस देश में पूजे जाएंगे। शिवपाल जी, जो कि आपकी पार्टी में बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि अगर लाठीचार्ज और गोली नहीं चलवाते तो क्या करते, संविधान का पालन करना था हमें। मैंने आपसे क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान के पक्ष में होगा, जिसने संविधान बनाया हम उसे भी आज पूछते हैं, जो संविधान के पक्ष में खड़ा होगा हम उसका भी सम्मान करेंगे। क्या आपको लगता है? और जब आप शपथ लेते हैं तो आप शपथ संविधान की लेते हैं, आप शपथ किसी और चीज की नहीं लेते हैं। क्या आप शपथ बदल सकते हैं? मैं कहता हूं कि क्या कोई शपथ किसकी लेगा ये बदली जाएगी? हम सब जब कभी किसी पद पर पहुंचते हैं उस पद पर शपथ हम संविधान की ही लेते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपको 32 साल पुरानी वाली घटना जो हुई, आज की तारीख में जब राम मंदिर बन रहा है, तो उसका अफसोस है आपको? बतौर आपकी सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। क्योंकि आप वो बात रिपीट कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक बात और कह देता हूं। जी, जो सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं और जो अधिकारी होते हैं, पहले आपने भी एक अधिकारी को बहुत सम्मान के स्थान पर बैठाया है, आप माफी उनसे भी मंगवा दीजिए। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। क्या आपको लगता है ये राम मंदिर के परसेप्शन में, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया, विपक्ष के नेताओं का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, या फिर और कुछ कांग्रेस के नेताओं का, एक कर्नाटक के मंत्री हैं उनका बयान आया, उस सबका नुकसान हो रहा है आपका, क्योंकि गठबंधन है इंडिया अलायंस, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। इंडिया गठबंधन जीत के आधार पर बनने जा रहा है। जी, इंडिया गठबंधन और पीडीए हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराएगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और पीडीए ही हमारी रणनीति है। अगर इंडिया गठबंधन का कोई लीडर कुछ बोल रहा है हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हमारी रणनीति अगर कोई है तो वो पीडीए रणनीति है। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसे कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं और जितने भी हमारे दर्शक यहां बैठे हैं या आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जी, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए करती है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, लोगों का भविष्य बनेगा। मैं जहां से शुरू बात की थी, मैं बात वहीं पहुंचा देता हूं कि जिस जगह हम यहां बैठे हैं ये हाईटेक अंसल सिटी है, ये कभी नेताजी और समाजवादी पार्टी की बनाई हुई है, इसके दाएं बाएं मेदांता हॉस्पिटल है जहां पर बहुत सारे लोगों का जीवन बच रहा होगा। जी, मैं ये कहता हूं कि मेदांता के बराबर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक अस्पताल बनाया हो तो बता दो, आप कोई एक अस्पताल बनाओ तो बता दो। इसी के बाईं तरफ अगर आप चला जाओगे तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट है,
इट्स ए रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर कैंसर की रिसर्च होती, इलाज होता, जो हमारा गरीब है उसको समय पर इलाज मिलता, सस्ता इलाज मिलता, वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है जी। उसके आगे बना है SCL लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें तो वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में उनको जॉब मिल जाएगा। उसके आगे IIIT बना है। IIIT बहुत कम प्रदेशों में है या वो इंस्टीट्यूशन इस तरह की है जो बहुत कम बनी है। एक स्टेडियम भी वहां पर बना हुआ है जो देश का सबसे सुंदर स्टेडियम है, और वो एक ऐसा स्टेडियम है जहां इंडिया को जिताता है वो स्टेडियम जी। जी आप एक सड़क पे चले जाएं बाईं तरफ, 5 लाख प्रोक्योरमेंट का मिल्क का प्लांट लगाया पराग का,